वेलकम बैक। ये जो अगली रेसिपी मैं इनोवेट करने वाली हूँ, इट्स अ इंडो चाइनीज स्ट्रीट फूड। आई हैव टू एडमिट दैट दिस यूज़ टू बी माय फेवरेट जंक फूड, और क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे इसे खाते देखा है, दे ऑल्सो गॉट हुक्ड ऑन टू इट। लेकिन फाइनली मैंने निकाल लिया है इसका एक ऐसा हेल्थी वर्जन दैट नाउ वी ऑल एन्जॉय इट गिल्ट फ्री। लेट्स मेक स्प्रिंग रोल्स। तो इसके लिए एक पैन गरम करेंगे। लेट्स हीट अप सम ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, वेरी फाइनली चॉप्ड जिंजर, इसमें जाएगा स्लाइस्ड अनियंस एंड सम फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। जैसे ही प्याज लाइटली फ्राई होंगे, हम इसमें ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ स्लाइस्ड मशरूम्स, कैरेट्स के जूलियंस यानी कि पतले कटे हुए कैरेट्स, सम ग्रीन बेल पेपर्स, सम येलो बेल पेपर्स, सम रेड बेल पेपर्स एंड सम कैबेज। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जो हमने वेजिटेबल्स इस रेसिपी में ऐड की हैं, दे आर गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ फाइबर टू दिस स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स यूजुअली डीप फ्राइड होते हैं, बट आज हम बनाएंगे इसका एक हेल्थी वर्जन। अब हम इसमें डालेंगे नमक। जैसे ही वेजिटेबल्स थोड़े सॉफ्ट होंगे, हम इसमें ऐड करेंगे वेरी लिटिल टोमेटो केचप, सोया सॉस, अ डैश ऑफ विनीगर एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। ये तैयार हो चुका है। गैस को हम बंद करेंगे एंड वी विल रिमूव दिस इन अ प्लेट ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यूजुअली स्प्रिंग रोल्स मैदे से बनते हैं, बट हम यहाँ आज यूज़ कर रहे हैं राइस पेपर शीट्स। आपको इन्हें सोक करना होता है थोड़े से वार्म पानी में फॉर अबाउट 2 to 3 minutes। जब आप इसे निकालेंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, सो यू नो दैट दिस इज कुक्ड। हम इसे निकाल लेंगे। राइस पेपर रोल बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है, दैट्स द रीजन आई हैव केप्ट द वेजिटेबल्स वेरी क्रंची। व्हेन यू बाइट इनटू दिस यू शुड गेट अ नाइस टेक्सचर ऑफ क्रंच येट राइस पेपर का आपका सॉफ्टनेस। इसी तरीके से हम बाकी के स्प्रिंग रोल्स भी बना लेंगे। हमारे लिटिल बंडल्स ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्रंच बन चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू प्लेट इट। इसे बच्चों के साथ अडल्ट्स भी बहुत एंजॉय करेंगे। इस वर्जन ऑफ स्प्रिंग रोल्स को आप ध्यान से देखिए। ये रहा इसका एक रीकैप। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए एक पैन में एक चम्मच तेल गरम करके इसमें एक छोटा चम्मच कटी हुई लहसुन, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, एक कटे हुए प्याज और 2 पतली कटी हुई हरी मिर्च डालें। हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें 1/4 कप कटे हुए मशरूम, 1/3 कप पतली लंबी कटी गाजर, 1/3 कप पतली लंबी कटी हरी शिमला मिर्च, 1/3 कप पतली लंबी कटी पीली शिमला मिर्च, 1/3 कप पतली लंबी कटी लाल शिमला मिर्च और 1/2 कप कटी हुई पत्ता गोभी डालें। इन सब सब्जियों को अच्छे से मिलाकर पकने दें। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच टमाटो केचप, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर मिला लें। इस मिक्सचर को ठंडा होने दें। राइस पेपर शीट्स को गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगा दें। फिर इन्हें निकाल के इनके अंदर बनाया गया मसाला डालकर अच्छे से रोल कर दें। स्प्रिंग रोल्स तैयार है। तो देखा आपने, जंक फूड को हेल्थी ट्विस्ट देना उतना मुश्किल भी नहीं है। इट जस्ट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, बट आई थिंक अगर आप ये एक्स्ट्रा माइल जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली कल्टिवेट बेटर एंड हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स इन योर किड्स। विद दैट थॉट आई एम गोइंग टू लीव यू विद सबरीना। आज उनके फिट एंड फैब सेशन में आप वर्क करेंगे ऑन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप इस सेशन को एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द, तब तक खुश रहिए क्योंकि आपकी ये जर्नी खास है और हम आपके साथ हैं। द
तालासना या जिराफ पोज लेंथ वाइज पूरी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करता है और लेग्स को टोन करता है। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। हाथों को अपने साइड्स पे रख के सीधे खड़े हो जाइए, शोल्डर विड्थ अपार्ट। अब सामने एक पॉइंट पे फोकस करते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाना शुरू करें और साथ ही अपनी हील्स को भी फ्लोर से लिफ्ट करें। हाथों के ऊपर पहुंचने के बाद 4 से 5 सेकंड्स होल्ड करें और फिर अपने पाम्स को आउटवर्ड पोजीशन में टर्न करके हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं, हील्स को भी साइमल्टेनियसली नीचे लाएं। सेम प्रोसेस राइट हैंड के साथ दोहराइए। इसके बाद अपने दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए अलोंग विद बोथ योर हील्स ताकि आपकी पूरी बॉडी को एक पूरा अपवर्ड स्ट्रेच फील हो। आफ्टर होल्डिंग फॉर 4 to 5 seconds दोनों पाम्स को आउटवर्ड टर्न कीजिए और धीरे धीरे आर्म्स और हील्स को नीचे लाइए। इस स्ट्रेच को 3 से 4 बार रिपीट कीजिए।